नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज जो ये हमारी वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से भारत ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। देखो, हमने अब तक पढ़ा है पहले वाले चैप्टर्स में कि जो इंडिया है, जब वो आज़ाद हुआ तो बहुत सारे रजवाड़े थे यहाँ पे, तो उनको मिलाने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। शुरू के फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा और सेकंड चैप्टर, उसमें हमने यही बातें पढ़ी थी कि आज़ाद होने के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। आज जो हमारा चैप्टर है, इसका नाम है रीजनल एस्पिरेशंस, यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आज़ाद होने के बाद जो हमने वो रजवाड़ों वाला मामला था उसको सुलझाने के भी बाद, जब हमने राज्य बना लिए थे भारत में, राज्य बनाने के बाद भी क्या क्या प्रॉब्लम भारत के सामने आई, यानी कि किस किस राज्य ने भारत से अलग होने की बात कही या आंदोलन किए भारत सरकार के खिलाफ। आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, रीजनल एस्पिरेशंस, क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय आकांक्षाएं। रीजनल का मतलब एक एरिया, क्षेत्र, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है। एस्पिरेशन का मतलब है आकांक्षा, यानी कि इच्छा। तो जिस जिस एरिया में भी भारत से अलग होने की बात उठी या भारत से अलग होने की इच्छा वहां पे लोगों ने दिखाई, वो कहलाया हमारा रीजनल एस्पिरेशंस या क्षेत्रीय आकांक्षाएं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आकांक्षाएं, यानी कि फीलिंग उभर कर आना, समझे। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत में अलगाववाद फैला, सेपरेटिज्म फैला, किस किस स्टेट में प्रॉब्लम हुई। देखो, सबसे पहला जो स्टेट है वो है जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी को पता है आज तक जम्मू और कश्मीर में हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर वाला जो टॉपिक है वो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले दिया गया है, पर ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको ये पूरा टॉपिक कवर करा दिया था, जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम थी, कैसे वहाँ पे सरकारें बनी, कैसे वहाँ पे हमारा जो है कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया, कैसे वहाँ पे आतंकवाद फैला। ये वाला टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया था, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक जो था कश्मीर, वो हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। मैंने वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है, पूरी बड़ी बड़ी दो वीडियो मैंने सिर्फ कश्मीर के ऊपर ही बना रखी है ताकि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो कश्मीर वाला टॉपिक हमने पढ़ रखा है। अब दूसरा एरिया आया पंजाब। अब पंजाब जो है वहाँ पे भी अलगाववाद फैला, और आज भी देखते हो आप कि जो लोग हैं वो वहाँ पे खालिस्तान की मांग आज भी कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारी दिक्कत आज भी कभी कभी हम देखते हैं पंजाब में। तो पंजाब राज्य एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक समय था कि आंदोलनों का दौर चला, भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने काम किया और वो भारत से अलग होना चाहते थे, ठीक है। पर आज आप देखते हो पंजाब में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल शांत राज्य है पंजाब। पर कुछ जगह पे कुछ आदमी हैं जो आज भी अलग पंजाब की बात करते हैं, जिन्हें कि हम खालिस्तानी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पहला टॉपिक तो पढ़ेंगे पंजाब। उसके बाद और कहाँ पे देश में प्रॉब्लम हुई आप मैप में देखते चलो साथ साथ, कि जो इंडिया का मैप है इसमें पंजाब वाला जो एरिया है यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम हुई थी, उसके अलावा उधर नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उस एरिया में भी प्रॉब्लम हुई। नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे हमारे 7 मेन राज्य हैं, ठीक है, जिन्हें कि 7 बहनें कहा जाता है, जैसे कि मणिपुर है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये वाले जो राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, और यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। अब क्यों हुई यहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी के बाद ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, तो यहाँ के लोग जो हैं वो भारत सरकार से नाराज़ रहे और यहाँ पे प्रॉब्लम आई। तो यहाँ के कुछ राज्यों को भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक हमारा जो और राज्य बचा वो है दक्षिण भारत में तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, वहाँ भी भारत सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह हुए थे या भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन चले थे। तो ये सारा हमारा ओवरव्यू है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम इन्हीं राज्यों के बारे में एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि अलग अलग एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो कश्मीर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पंजाब से। पंजाब में सिख लोग भी हैं, हिंदू लोग भी हैं और अन्य धर्म भी हैं, पर जो ज़्यादा लोग हैं वो हैं सिख और हिंदू। पंजाब आज़ादी से पहले भी बहुत फेमस राज्य रहा है भारत का, बहुत ही महान महान लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं। भगत सिंह का आपको पता है, तो सरदार भगत सिंह जी भी यहीं के थे, ठीक है। तो पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी। अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको जाना पड़ेगा पंजाब की समस्या को समझने के लिए। पंजाब में क्या था, जब अंग्रेजों का टाइम हुआ करता था उस टाइम पे पंजाब पे राज हुआ करता था महाराजा रणजीत सिंह का।
तो अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह को हराया था और पंजाब को इंडिया में मिला लिया था। ठीक है, तो पंजाब जो है वहाँ पे कुछ आज भी लोगों के दिमाग में वो फीलिंग रहती है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं, सभी पूरे पंजाब की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पे आज़ादी के बाद भी जो कि अलग पंजाब बनाना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ सिखों का पंजाब बनाना चाहते हैं। तो इसी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब तक हमने क्या पढ़ा कि आज़ादी से पहले की बात करी हमने कि अंग्रेज़ों के टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, रणजीत सिंह के बाद अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह से पंजाब को छीन लिया था या उनको हरा के पंजाब को भारत में मिला लिया था। अब हम आज़ाद हुए, अब आज़ाद होने के बाद राजा तो रहे नहीं, ठीक है, ना ही उनकी रियासतें रही, तो बिल्कुल शांति के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे देश का हिस्सा बन गया पंजाब। अब पंजाब जो है उस टाइम पे बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, जो हमारा आज का हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है, ये सारा का सारा उस टाइम पे पंजाब था आज़ादी के बाद, बाद में जाकर ये पंजाब अलग राज्य बनेगा, तो उस टाइम पे सारा पंजाब भारत में मिलाया गया। अब पंजाब में एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था अकाली दल, इसका नाम आपको याद रखना है। 1920 के आसपास ये पार्टी बनी और बनने के साथ ही इसने अलग से जो है पंजाब जो है उसकी स्वायत्तता की बात करनी शुरू करी, यानी कि इन्होंने कहा कि हमें अलग राज्य बना के दो पंजाब, जहाँ पे पंजाबी भाषा जो है वो ज़्यादा बोली जाती हो, यानी कि ये कह रहे थे कि हरियाणा वाला एरिया और हिमाचल वाला एरिया हमसे अलग करो, हमें अलग से पंजाब दो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अलग अलग लोग क्या करते हैं, हर बार अपना अलग स्टेट बनाने की मांग करते हैं, तो क्यों करते हैं वो ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर हमारा हमारा एरिया होगा ना तो हम बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, अपने आप को पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगे। तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे उस टाइम पे कि अगर हमारा हमारा पंजाब होगा तो हम बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर लेंगे अगर हम सरकार से अलग हो जाएंगे तो ऐसे करके कुछ फीलिंग आ जाती है, कुछ राष्ट्रवाद की फीलिंग होती है, कोई धर्म से रिलेटेड फीलिंग होती है, जिस वजह से लोगों में क्या पनपता है, अलगाववाद पनपता है या रीजनल एस्पिरेशन पनपती है, समझे? तो पंजाब में अकाली दल था, यानी कि एक पार्टी थी जो कि पंजाब में रूल करती थी, आज़ादी की लड़ाई में भी इसका योगदान है बहुत। तो अकाली दल ने आज़ादी के बाद मांग शुरू कर दी कि हमें अलग से एक पंजाबी सूबा चाहिए, यानी कि पंजाबी एरिया चाहिए, ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया इस बात को लेकर कि हमें क्या चाहिए, एक पंजाब चाहिए। इस समय पे जो पंजाब है या जो अकाली दल है, यहाँ के जो मेन लीडर थे वो थे मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह बड़े ही शांत स्वभाव के आदमी थे, शांत विचारधारा को फॉलो करने वाले थे, ठीक है, पीसफुली इन्होंने मांग की थी, और जब भी आदमी पीसफुली मांग करता है कोई भी तो उसकी बातें मान ली जाती हैं। जिसने भी हथियार उठाए हैं हमेशा गवर्नमेंट उसी को जो है वो हमेशा दबाती है। तो इन्होंने शुरू में प्यार से बात करी तो गवर्नमेंट ने भी इनकी बातों को माना और 1966 में पंजाब राज्य बनाया गया, हिमाचल को अलग कर दिया, हरियाणा को अलग कर दिया और एक अलग से राज्य बना पंजाब। तो पंजाब कब बना है, डेट भी आपको याद रखनी है, 1966 में, 1966 में, समझ गए? क्या हुआ अभी तक, अकाली दल ने मांग करी है पंजाब बनाने की, उसकी बात को मान लिया गया है, कब, 1966 में। अब जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बात को मान लिया गया। अब अगले साल हुए इलेक्शन 1967 में, 1967 में, 66 में पंजाब बना है, अगले साल हुए हैं इलेक्शन, तो 1967 में हुए इलेक्शन, ठीक है, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हुए 1977 में, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्शन हो रहे थे, जो अकाली दल है उसने जैसी प्लानिंग की थी कि पंजाब बनने के बाद मैं ये काम करूँगा, ये करूँगा, उसकी जो आशाएं थी, जो जो उसने सोचा था, वो चीज़ें ढंग से नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि पंजाब में सिर्फ सिख तो है नहीं, वहाँ पे हिंदू लोग भी हैं, ठीक है, और भी धर्म हैं, तो वो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। तो जौन सा भी इलेक्शन हुआ, चाहे वो 67 का हो चाहे 77 का हो, उसमें हमेशा क्या होता था, अकाली दल की पूरे पंजाब में सरकार नहीं आ पाती थी और उसे हमेशा गठबंधन करना पड़ता था, कोएलेशन होता था हमेशा कांग्रेस के साथ, क्योंकि हिंदू लोग वहाँ के और वहाँ के सिख लोग भी, बहुत सारे जो गरीब सिख लोग हैं मेनली, ठीक है, वो हमेशा ही क्या चाहते थे, कांग्रेस के सपोर्ट में रहते थे। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे कांग्रेस के सपोर्ट में थे, इस वजह से अकाली दल चिढ़ने लगा। अब उसे समझ में आने लगी कि मैंने पंजाब तो बनवा लिया है पर जो है अभी भी हमारी ढंग से मांगे पूरी नहीं हो रही है जो वो चाह रहे थे, क्योंकि ये कांग्रेस जो है इसका इंटरफेयर रहता है,
क्योंकि एक किसी एक आदमी का तो राज्य नहीं है पंजाब, वहाँ पे अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं, तो जो स्पेशली सिख थे वहाँ के वो थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट मानते थे। जो ये इलेक्शन हुए इनकी वजह से अकाली दल जो है वो चिढ़ने लगा थोड़ा सा। अब चिढ़ने लगा तो उसके अंदर ये भावनाएं आने लगी कि तो हमें क्या चाहिए, अलग राज्य चाहिए। वहाँ के सिख लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग राज्य की बिल्कुल भी बात नहीं करते, कुछ ही लोग हैं केवल जो कि खालिस्तानी कहे जाते हैं, यानी कि अलग पंजाब की मांग करते हैं, जिसे बोला जाता है खालसाओं का स्थान, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सिख लोग रहेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग थे अकाली दल में जो क्या चाहते थे, खालिस्तान यानी कि अलग पंजाब, और भी अलग एरिया, उस पंजाब में से भी हिंदू विंदू सब साइड करो, सिर्फ सिख होंगे, ऐसा एरिया बनाओ। ठीक है, तो ये जो मांग उठी ये उठी 1970 के दशक में। देखो इलेक्शन चल रहे हैं, 67 का हुआ, उन्हें समझ में आ गया कि अब ऐसे तो काम बनेगा नहीं, तो उन्होंने और मांग शुरू कर दी एक और कि हमें क्या चाहिए, खालिस्तान चाहिए। अब ये डेट आपको ध्यान रखनी है 1973, इसको तो अपनी कॉपी में आप लिख लेना, 1973 वो टाइम है जब क्या हुआ, पंजाब जो है उसने जो है एक प्रस्ताव पारित किया, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। आनंदपुर साहिब क्या है, सिखों का जो सबसे मेन गुरुद्वारा है वो है आनंदपुर साहिब, और आनंदपुर साहिब से ही सारे सिख जो हैं अपनी ऑफिशियल काम करते थे उस टाइम पे भी, और आज भी बहुत इनके धर्म में इनको मान्यता दी जाती है, बहुत ही अच्छी इनकी संस्कृति है, अच्छा इनका धर्म है, तो ये लोग बहुत ही इन चीज़ों को मानते हैं, और गुरुद्वारे से ही इनकी आज भी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं। तो आनंदपुर में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव लाया गया जिसमें कि खालिस्तान की बात कही गई। अब ये हो गई प्रॉब्लम यहाँ पे कि इन लोगों ने एक अलग से ही राज्य की बात शुरू कर दी। पहले पंजाब बनाने की बात कही थी सिर्फ, तो वो तो मान ली गई थी 1966 में, पर अब और भी अलग बनने की बात कह रहे हैं कि खालसाओं का यानी कि सिखों का अलग से राज्य हो, तो ये बात गवर्नमेंट अब नहीं मानेगी। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, देश की एकता को, यूनिटी को नुकसान पहुंचता है। अगर एक की बात मान लेंगे तो हर जगह पे ऐसा ही कोई ना कोई आंदोलन कर देगा हर रोज, देश के तो दोबारा से टुकड़े हो जाएंगे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया था, बड़ी मुश्किल से मिलाया था, उस देश के फिर से टुकड़े हो सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानती। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनकी बात को नहीं माना। जैसे ही ये 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया, इसके बाद उनकी मांग और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब आया 90s 80s का टाइम। अब 90s 80s में जो पहले अकाली दल के नेता हुआ करते थे मास्टर तारा सिंह, इनका भी नाम आपको याद रखना है, वो अब नहीं रहे और नए लीडर आए जिनका नाम था संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, यानी लोंगोवाल। ठीक है, तो लोंगोवाल जो हैं वो नए लीडर बनकर आए। अब लोंगोवाल जब आए वो थोड़े से गर्मपंथी थे, यानी कि थोड़ा सा वॉयलेंस को सपोर्ट कर रहे थे वो। ठीक है, अपनी उन्होंने मांग को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, अलग से सिख राज्य बनाने की वो बात करने लगे और उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने क्या किया, एक और आदमी था जिसका नाम था जंडरैल सिंह भिंडरेवाला। अब भिंडरेवाला जो है वो एक उग्रवादी आदमी था, यानी कि बहुत ही वॉयलेंस के साथ अपनी मांग रखता था, तो भिंडरेवाला का सपोर्ट दिया पूरा का पूरा लोंगोवाल ने। तो अकाली दल मिल गया भिंडरेवाला के साथ और दोनों ने मिलकर क्या चला दिया, धर्म युद्ध, यानी कि खालसाओं की जो मांग थी अलग से खालिस्तान बनाने की जो मांग थी उसको बहुत तगड़े तरीके से देश में फैलाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते इनकी जो ये आंदोलन था ये नरमपंथी से गर्मपंथ की तरफ आ गया और इन लोगों ने हथियार उठा लिए। भिंडरे वाला ने हथियार उठा लिए सरकार के खिलाफ, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वहाँ पे कोई सरकार इंटरफेयर करे, वो अपना अलग से पंजाब बनाना चाहते थे, अलग से अपना खालिस्तान बनाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, अमृतसर गुरुद्वारे में हथियार जमा करने शुरू कर दिए और अपनी एक फौज की तरह वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया। तो जो हमारे भिंडरे वाला है, भिंडरे वाला ने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारे हथियार जमा कर लिए। अब इस टाइम पे भारत में जो लीडर थी वो थी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी तो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इंदिरा गांधी की जो सब्र की सीमा थी वो अब टूट चुकी थी। आंदोलन जो है उग्र रूप ले चुका था, उग्र का मतलब है वॉयलेंस का रूप ले चुका था। अब जब भी वॉयलेंस होती है तो सरकार को दबाना पड़ता है, प्यार से अगर चलता है तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, पर जब भी वॉयलेंस होगी तो सरकार के सामने कोई टिक भी नहीं सकता। तो जो इंदिरा गांधी है उन्होंने क्या किया, आर्मी को भेज दिया गुरुद्वारे में, कहाँ पे, अमृतसर, गोल्डन टेम्पल जो है, स्वर्ण मंदिर है अमृतसर वाला, क्योंकि वहाँ पे कौन छिपा हुआ था, भिंडरे वाला। ठीक है, अब भिंडरे वाला को मारने के लिए वहाँ पे पहुँची इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी ने क्या किया,
वहाँ पे जब देखो फायरिंग तो हो गई, अगर वहाँ पे उनको पकड़ना है या उनको ख़त्म करना है तो क्या हुआ, वहाँ पे फायरिंग हुई दोनों में आपस में, भिंडरे वाला की तरफ से भी और यहाँ से भारत सरकार यानी कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी, दोनों की जो है वो लड़ाई हुई और उस लड़ाई में जो है भिंडरे वाला को मार दिया। अब देखो मैं यहाँ पे किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आज ऐसे होंगे जिनके लिए भिंडरे वाला हीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पंजाब साइड से लोग बिलोंग करते होंगे उनके लिए वो एक हीरो के रूप में भी उभर कर सामने आया, क्योंकि उन्होंने उनके लिए अलग राज्य की मांग की थी। तो मैं आपको यहाँ पे ना किसी धर्म से जोड़कर पढ़ा रहा हूँ, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको वो पढ़ा रहा हूँ कि जो हमें NCERT किताबों में दिया गया है, ठीक है। तो जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा, ना ही इंडियन गवर्नमेंट के, ना ही मैं किसी खालिस्तानी के सपोर्ट में, ठीक है। तो आप ये बात समझना, वीडियो पे कोई भी गलत कमेंट मत करना, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो मैं तो सिर्फ आपको सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ जो जो हमारी किताबों में दिया गया है। अब तक हम कहाँ पहुँचे, जो भिंडरे वाला है, भिंडरे वाला ने क्या किया था, स्वर्ण मंदिर पर अपना कब्जा कर लिया था, यानी कि अपनी सेना पूरी फोर्स वहाँ पर लगा दी थी, और जो है हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पे गई थी, और इंडियन आर्मी गई थी जून के महीने में। तो जून 1984, यह डेट आप याद रखना, क्या डेट है, जून 1984 इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या है ऑपरेशन का नाम, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और भिंडरे वाला को मार दिया गया और स्वर्ण मंदिर को खाली करा लिया। अब देखो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, अब जो है, अब जब फायरिंग होती है तो ये तो पता नहीं चलता आम लोग कौन है और आतंकवादी कौन है। तो जब ये फायरिंग चल रही थी, आतंकवादियों को मारा जा रहा था, तो इसमें कुछ आम सिखों की भी जान गई, ठीक है, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग थे, भिंडरे वाला की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी, ठीक है, और इधर आर्मी की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी, बहुत कोशिश करी थी उसको खाली करवाने की भी, पर एक दो तो ऐसे हो ही जाता है कि ऐसी प्रॉब्लम सामने आए, तो ऐसी प्रॉब्लम सामने आई तो इससे हमारे देश के सिख जो हैं वो बहुत नाराज़ हुए थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से या भारत सरकार से। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी सिखों को कि उन्होंने जो है वो गुरुद्वारे के ऊपर हमला किया, तो धर्म के ऊपर जब बात आई तो सारे सिख बहुत नाराज़ हुए। तो एक बहुत ही गुस्सा था लोगों के अंदर 1984 में इंदिरा गांधी को लेकर, क्योंकि इंदिरा गांधी ने फायरिंग करवा दी थी गुरुद्वारे पे, आनंदपुर साहिब पे। ऑपरेशन कौन सा चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। आपसे यहाँ से 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, या आपसे 6 नंबर में पूछ सकते हैं पूरी पंजाब की समस्या बताओ, बहुत बार ये पेपर में आया भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें, डेट जो आ रही हैं वो आपको याद करनी है, बाकी मैं आपको स्टोरी की तरह सारा समझा रहा हूँ, स्टोरी आपको सुनने में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद हो रही होंगी साथ साथ। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। तो देखो अब तक हम कहाँ पहुँचे कि इंदिरा गांधी ने क्या करा, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, वहाँ पर भिंडरे वाला को मार दिया और आतंकवाद को ख़त्म कर दिया पंजाब से। अब जो है एक और लहर चली आतंकवाद की वहां पे, क्यों, क्योंकि लोगों के मन में बहुत गुस्सा फैल गया इंदिरा गांधी के खिलाफ। इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई वो इसी वजह से हुई। अब ये बात मैंने आपको बताई, ये जून के आसपास की बात थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जो है वो अपने ही घर में जो है वो वॉक कर रही थी सुबह सुबह, उनके ही 2 बॉडीगार्ड थे, एक का नाम था सतवंत सिंह, एक का नाम था बेअंत सिंह। उन दोनों ने जो है इंदिरा गांधी के ऊपर फायरिंग कर दी, दोनों ही सिख थे और उनके अंदर वही बदले की भावना थी जो कि स्वर्ण मंदिर में जो उनके साथ गलत हुआ था। तो बदले की आग में उन लोगों ने क्या किया, इंदिरा गांधी के ऊपर फायरिंग कर दी और पूरी की पूरी राइफल जो है उन्होंने खाली कर दी थी इंदिरा गांधी के ऊपर। तो इंदिरा गांधी जो है हमेशा ही क्या करती थी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलती थी, पर उस दिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी, तब तक उनके और गार्ड्स आए उन्हें बचाने के लिए, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी क्योंकि उस दिन उन्होंने वो जैकेट नहीं पहन रखी थी और बहुत सारी गोलियां लगी। अब जैसे ही ये गोलियां लगी, इंदिरा गांधी की हुई डेथ और डेथ होते ही देश में बिल्कुल खराब माहौल हो गया, सिखों के खिलाफ पूरे देश में दंगे फैल गए, क्योंकि इंदिरा गांधी को मारने वाले 2 सिख थे। दिल्ली जैसे एरिया में, यूपी जैसे एरिया में जितने भी सिख थे उनके खिलाफ हिंदू लोग भड़क गए, क्योंकि इंदिरा गांधी से हमारा देश बहुत प्यार करता था। 1971 की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी हमारी बहुत बड़ी हीरो थी, देश के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो यहाँ के लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो भी ये हुआ, उनकी हत्या हुई, इस वजह से सिखों के खिलाफ जो है वो दंगे शुरू हो गए भारत में।
अब जो दंगे शुरू हुए इसमें जो है आम सिखों की तो कोई गलती नहीं है, पर भीड़ जो है वो तो आप सभी को पता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो किसी भी जाति की हो, जब वो पागल हो जाती है ना तो फिर उसे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही हुआ, बहुत जगह पे भारत में दंगे हुए और सिखों को मारा गया। अब बेचारे आम सिखों का तो कोई कसूर नहीं था। तो ये 1984 में एक बहुत बड़ी घटना हुई भारत में। 1984 में दिल्ली में भी टायर डाल डालकर सिखों को चला दिया गया था, इतना गलत हुआ था। तो 1984 में हिंदू और सिखों के दंगे हुए जिसमें कई सारे सिख मारे गए, ठीक है, कई सारे यहाँ से सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर भागे वापस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुई हमारी 1984 में। अब एक दौर चला 1984 के बाद आतंकवाद का पंजाब में। अब जहाँ पर भी माहौल ख़राब होता है वहीं पर एंट्री होती है पाकिस्तान की या चाइना की, क्योंकि वो भारत को जो है तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। अब जैसे ही पंजाब का माहौल ख़राब हुआ, पंजाब के लड़कों को यानी जिनके भी कोई घरवाला मरा था या सरकार के ख़िलाफ़ जिनको भी गुस्सा था उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वहाँ पे क्या हुआ, आतंकवाद फैल गया, ड्रग्स वगैरह बहुत फैल गई उस टाइम पे पंजाब में। तो पंजाब नशे में डूब गया उस दशक में, 1980s के बाद 1990s के टाइम। तो पंजाब में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और क्या हुआ, पंजाब में आतंकवाद का एक समय आया। पंजाब के जो नए नए लड़के थे उनको ट्रेनिंग दी पाकिस्तान ने, उनको हथियार दिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हो रखा है ना, वैसे ही सिचुएशन पंजाब में भी करनी चाहिए। और कुछ समय के लिए ऐसा हुआ भी, पर अच्छी बात यह है कि कुछ ही समय बाद हमारे पंजाब के साथ रिलेशन अच्छे हो गए दोबारा से, ठीक है। और जो उनके नेता थे लोंगोवाल, उनके साथ राजीव गांधी ने एक समझौता किया। ये समझौता आपको याद रखना है, इस समझौते को कहा जाता है पंजाब समझौता, या इसे कह सकते हैं हम राजीव लोंगोवाल समझौता, क्योंकि ये किसके किसके बीच में हुआ है, राजीव गांधी के और हरचंद सिंह लोंगोवाल के। तो लोंगोवाल समझौता कह लो या आप इसे पंजाब समझौता कह लो, इसकी डेट आपको याद रखनी है। इसकी डेट है जुलाई 1985, जुलाई 1985 में, जुलाई के महीने में राजीव गांधी ने बातचीत करी लोंगोवाल से और दोनों के बीच में समझौता हुआ और शांति की स्थापना हुई। अब इस समझौते में क्या क्या है ये हमें पता होना चाहिए। इसमें मेन तीन बातें थी। सबसे पहली बात कि जो इंडियन आर्मी है वहाँ पे, जो वहाँ पे डिप्लॉय कर रखी है आर्मी, उसको हटाया जाएगा, तो सेना को वहाँ से हटाया गया। दूसरी बात, जो चंडीगढ़ वाला मामला उलझा हुआ था कि चंडीगढ़ पंजाब के पास जाएगा या हरियाणा के पास जाएगा, चंडीगढ़ वाली चीज़ को भी सुलझाने की बात यूनियन गवर्नमेंट ने कही और ये कहा कि चंडीगढ़ को हम पंजाब को दे देंगे, ठीक है। तीसरा और जो उनकी मांग थी, एक वो ये मांग थी कि जो रावी और व्यास नदी है उसके पानी को लेकर जो बंटवारा है वो पंजाब को ज़्यादा मिलना चाहिए, तो इस बात को भी राजीव गांधी ने मान लिया। तो सिखों की ये तीन बात मानी गई। सबसे पहले वहाँ से आर्मी हटाई गई, दूसरा जो है उनको जो है चंडीगढ़ दिया गया, तीसरा रावी और व्यास का जो पानी है उस लड़ाई को सुलझाया गया, और सिखों को भी ये मानने को कहा गया कि आप बिल्कुल भी अलगाववाद या हिंसा यानी कि सेपरेटिज्म या जो वॉयलेंस है उसको नहीं करोगे, और धीरे धीरे करके पंजाब का माहौल सुधर गया। और आज हम देखते हैं कि पंजाब भारत का एक बहुत ही अच्छा राज्य है, बहुत ही अच्छे से वहाँ पे नेशनलिज्म है, वो वहाँ के लोग बहुत राष्ट्रभक्त हैं, जब भी देश की बात आती है तो पंजाब के लोग हमेशा आपको खड़े मिलते हैं। तो पंजाब जो है उसमें वो वाली भावना ख़त्म हो चुकी है, पर कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं जिन्हें कि हम खालिस्तानी कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा पंजाब के बारे में। तो 1990s के बाद पंजाब में शांति स्थापित हो चुकी थी। ये थी हमारी पंजाब की पूरी स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, स्टोरी की तरह मैंने आपको सारी बातें पढ़ा दी हैं। जो भी डेट इसमें आ रही हैं वो आपको याद करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि पंजाब समस्या पर एक नोट लिखें, क्या थी पंजाब की प्रॉब्लम इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उसमें हम नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे क्या क्या समस्याएं आई, ठीक है, उनको हम जानेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही जो बेल आइकन है उसको भी आपको प्रेस करना होता है ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।